नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 7 पी ब्लॉक के तत्व का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्ववर्ती भाग में हमने वर्ग संख्या 15 तथा 16 का अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम वर्ग संख्या 17 अर्थात हैलोजन परिवार के सदस्यों का अध्ययन करेंगे। आइए हम हमारी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। वर्ग 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एवं टेनेसाइन वर्ग 17 के सदस्य हैं। इन सभी सदस्यों को संयुक्त रूप से हैलोजन कहा जाता है। एस्टेटीन व टेनेसाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। फ्लोरीन मुख्यतः फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट, फ्लोर एपेटाइट के रूप में मिलता है। यह हैलाइड समुद्री जल में भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सूखे हुए समुद्र में भी सोडियम क्लोराइड और कॉर्नेलाइट के रूप में हैलाइड उपस्थित होते हैं। बहुत से समुद्री पादपों में आयोडीन मिलती है तथा चिली साल्ट पिटर में भी आयोडीन सोडियम आयोडेट के रूप में पाया जाता है। टेनेसाइन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका संकेत TS होता है तथा परमाणु संख्या 117, उसका द्रव्यमान 294 ग्राम पर मोल तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 5f14 6d10 7s2 7p5 होता है। इसकी अल्पायु बहुत कम होने के कारण इसकी केमिस्ट्री अभी ज़्यादा हमें पता नहीं है। इन तत्वों के बाह्यतम कोष में अर्थात संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो NS2 NP5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं। परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा हैलोजनों में नाभिकीय आवेश अधिकतम होता है जिसके फलस्वरूप किसी भी आवर्त में हैलोजन परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। आयनन एंथैल्पी इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के स्थान पर ये ग्रहण करते हैं इसलिए इनकी उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि के कारण आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी संगत आवर्त में हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ऋणात्मक होती है क्योंकि ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनीय विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है क्योंकि आकार में बढ़ोतरी होती है। फ्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम होती है क्योंकि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है। छोटे आकार के कारण नया आने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर इतनी अधिक प्रबलता से आकर्षित नहीं हो पाता है। विद्युत ऋणात्मकता इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। भौतिक गुण फ्लोरीन और क्लोरीन गैसें हैं जबकि ब्रोमीन एक तरल है और आयोडीन एक ठोस है। फ्लोरीन और क्लोरीन पानी के साथ क्रिया करते हैं। क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन के वियोजन की एंथैल्पी कम होती है। सर्वाधिक देखिए बंध तोड़ने में हमें क्लोरीन क्लोरीन का जब बंध वियोजन करेंगे सर्वाधिक ऊर्जा चाहिए जबकि फ्लोरीन के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन का छोटा आकार तथा बंध लंबाई कम होती है। एक फ्लोरीन परमाणु पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं जिनके मध्य में अति उच्च प्रतिकर्षण होता है। फलस्वरूप फ्लोरीन फ्लोरीन का बंध आसानी से टूट जाता है। फ्लोरीन पीले रंग की होती है, क्लोरीन हरे पीले रंग का होता है, ब्रोमीन लाल रंग का होता है तथा आयोडीन के क्रिस्टल बैंगनी रंग के नजर आते हैं। रासायनिक गुण ऑक्सीकरण अवस्थाएं जैसा कि हम जानते हैं कि इनके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अतः ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं।
जिसके कारण इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। फ्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक हैलोजन है, अर्थात यह हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। फ्लोरीन अन्य हैलोजनों का ऑक्सीकरण कर देता है। यदि फ्लोरीन की क्रिया किसी दूसरे हैलोजन से करवाई जाती है तो फ्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाता है तथा दूसरे का ऑक्सीकरण कर देता है। जलीय विलयन में हैलोजनों की ऑक्सीकरण क्षमता निम्न 3 मापदंडों पर निर्भर करती है। पहला क्या है? बंध वियोजन ऊर्जा। हैलोजन के बीच में बने हुए बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। दूसरा कारण हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरा कारण है, जो रणायन हमारे पास बना है वह जल के साथ जब संयोजित होता है तो वहां पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है या कितनी ऊष्मा बाहर निकलती है। इन तीनों कारणों की सहायता से यह निर्धारित होता है कि किसी हैलोजन की जलीय विलयन में ऑक्सीकरण क्षमता कितनी अधिक या कम है। फ्लोरीन जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके संबंधित हाइड्रोहैलिक और हाइपोहैलस अम्ल बनाते हैं। आयोडीन जल के साथ क्रिया नहीं करता है। देखिए, फ्लोरीन की क्रिया जल से करवाएंगे, हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है। क्लोरीन या ब्रोमीन जल से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोहैलिक अम्ल और हाइपोहैलस अम्ल बन जाते हैं, जबकि आयोडीन की कोई क्रिया नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, I- आयन ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीकृत होकर के I2 में परिवर्तित हो जाते हैं। फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, छोटा आकार तथा उच्च विद्युत ऋणता के कारण फ्लोरीन फ्लोरीन बंध में बंध एंथैल्पी का मान कम होता है। डी कक्षकों की अनुपस्थिति होती है, जिस कारण फ्लोरीन अपने वर्ग के अन्य तत्वों के सापेक्ष असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करती है। फ्लोरीन की अधिकांश अभिक्रियाएं ऊष्मा छेपी होती है। फ्लोरीन केवल एक ही प्रकार का ऑक्सो अम्ल बनाता है, जबकि दूसरे हैलोजन कई प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। HF प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण एक द्रव अवस्था में उपस्थित रहता है। HF में अत्यधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, जो कि इसके अधिक कथनांक के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता, ये सभी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके HX बनाते हैं, जो जल में घुलकर हाइड्रोहैलिक अम्ल बनाते हैं। इन अम्लों की अम्लीय क्षमता का क्रम निम्न होता है। HI सर्वाधिक प्रबल अम्ल होता है तथा HF सबसे दुर्बल अम्ल होता है। HI में HI बंध की लंबाई सर्वाधिक होने के कारण यह आसानी से H+ आयन दे देता है, जिस कारण इसकी अम्लीय क्षमता सर्वाधिक है। HF में बंध लंबाई सबसे कम होने के कारण उसको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए HF का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता, फ्लोरीन दो प्रकार के ऑक्साइड OF2 तथा O2F2 बनाता है। O2F2 प्लूटोनियम को PuF6 में ऑक्सीकृत कर देता है। इस अभिक्रिया का उपयोग हम परमाणु ईंधन में से PuF6 को निकालने के लिए करते हैं, यानी प्लूटोनियम के पृथक्करण में किया जाता है। हैलोजन से बनने वाले ऑक्साइडों के स्थायित्व का क्रम निम्न होता है। सर्वाधिक स्थायी ऑक्साइड I के होते हैं, सबसे कम स्थायी ऑक्साइड ब्रोमीन के होते हैं। ClO2 का उपयोग पेपर पल्प और टेक्सटाइल और जल उपचार में विरंजन के रूप में किया जाता है। I2O4, I2O5, I2O7 अघुलनशील ठोस है, जो गर्म करने पर आसानी से विघटित हो जाते हैं। I2O5 का उपयोग CO के आकलन में किया जाता है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में किया जाता है। धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता, ये धातुओं से क्रिया करके धात्विक हैलाइड बनाते हैं। धात्विक हैलाइडों के आयनिक गुणों का क्रम निम्न होता है। जो धात्विक फ्लोराइड होते हैं वह सर्वाधिक आयनिक होते हैं, क्योंकि विद्युत ऋणताओं में अंतर यहाँ पर सर्वाधिक होता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में
धात्विक हैलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर SnCl4 है और SnCl2 है। SnCl4 में टिन का ऑक्सीकरण अंक +4 है, SnCl2 में टिन का ऑक्सीकरण अंक +2 है। तो यदि हम SnCl4 और SnCl2 को तुलना करें तो SnCl4 में अधिक सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। क्लोरीन, शेले ने 1774 में HCl पर MnO2 की अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन को प्राप्त किया था। 1810 में डीवी ने बताया कि यह एक तत्व है और रंग के आधार पर इसका नाम क्लोरीन दिया गया। क्लोरीन बनाने की विधि, क्लोरीन कैसे बना सकते हैं हम? MnO2 की क्रिया HCl से करवाने पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। HCl के स्थान पर नमक या सांद्र H2SO4 का उपयोग भी किया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया HCl से करवाने पर भी हमें क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। औद्योगिक रूप से क्लोरीन का उत्पादन डिकन विधि या विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। डिकन विधि में HCl का ऑक्सीजन के साथ में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है, जबकि विद्युत अपघटन प्रक्रम में ब्राइन जो कि NaCl का जलीय विलयन होता है उसका विद्युत अपघटन करवाया जाता है, जिससे हमें एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है तथा इस अभिक्रिया में ही हमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है तथा विलयन में हमारे पास Na+ तथा OH- शेष रह जाते हैं जो आपस में क्रिया करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। क्लोरीन एक तीखी गंध वाली दम घोटू हरी पीली गैस है। यह वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होती है। इसे आसानी से द्रवित किया जा सकता है जो कि 239 केल्विन ताप पर उबलती है। यह जल में विलय है। क्लोरीन धातु तथा अधातुओं से क्रिया करके क्लोराइड बनाती है। क्लोरीन हाइड्रोजन से क्रिया करती है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बना सकती है। क्लोरीन ऐसे यौगिकों से क्रिया कर सकती है जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित हो। देखिए ये हमारे पास दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। पहली वाली अभिक्रिया में क्या है, यदि हमारे पास अमोनिया आधिक्य में उपस्थित हो उसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवाएं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। यदि क्लोरीन आधिक्य में उपस्थित हो तो अभिक्रिया करवाने पर NaCl3 बनता है। NaCl3 एक विस्फोटक प्रकृति का पदार्थ होता है। ठंडे तथा तनु क्षारों के साथ क्लोरीन क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड का मिश्रण देती है, परंतु गर्म तथा सांद्र क्षार के साथ में यह क्लोराइड तथा क्लोरेट बनाते हैं। देखिए NaOH की क्रिया जब हम किससे करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ में करवा रहे हैं। NaOH हमारा कैसा है, ठंडा है और तनु है, क्या बनाएगा, क्लोराइड बना रहा है और हाइपोक्लोराइड बन रहा है। यदि यही अभिक्रिया हम गर्म तथा सांद्र के साथ में करवाएंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास क्लोराइड बनते हैं तथा क्लोरेट बनते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। यहाँ पे हमें यह भी देखना है ये असमानुपातन अभिक्रिया भी है। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है तथा अपचयन भी हो रहा है। शुष्क बुझे हुए चूने के साथ यह विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। गर्म तथा सांद्र विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2CaCl2CaOH2O होता है। क्लोरीन हाइड्रोकार्बनों के साथ में भी अभिक्रिया करती है। यह विस्थापन अभिक्रिया दे सकती है। यदि हमारे हाइड्रोकार्बन संतृप्त होते हैं तो यह उनके साथ क्रिया करके विस्थापन अभिक्रिया देती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ क्लोरीन योगात्मक अभिक्रिया देती है, जिसमें क्लोरीन अणु का योग असंतृप्त बंध पर हो जाता है तथा हमें डाइहैलाइड्स प्राप्त होते हैं। HCl तथा HOCl के निर्माण के कारण क्लोरीन जल का पीला रंग उड़ जाता है। इस प्रकार प्राप्त हाइपोक्लोरस अम्ल जिसे HOCl कहते हैं एक नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन मीन परमाणवीय ऑक्सीजन देता है जो कि विरंजक गुणों के लिए उत्तरदायी होती है। देखिए क्लोरीन की क्रिया जब जल से करवाते हैं तो वहाँ HCl प्लस ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। यह ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन है जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में
परिवर्तित कर देती है। क्लोरीन के इसी गुण के कारण यह अन्य पदार्थों का भी आसानी से ऑक्सीकरण कर देती है। जैसे इन अभिक्रियाओं में देखिए, यहाँ पर Fe+2 का ऑक्सीकरण Fe+3 में कर दिया गया है, SO3 2- का ऑक्सीकरण SO4 2- में हो गया है, SO2 का ऑक्सीकरण SO4 2- में हो गया है, I2 का ऑक्सीकरण IO3- में क्लोरीन द्वारा कर दिया गया है। उपयोग, क्लोरीन का उपयोग लकड़ी, सूती वस्त्र आदि के विरंजन में किया जाता है, सोने और प्लेटिनम के निष्कर्षण में भी करते हैं, रंगों, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, DDT आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, पीने के पानी को जीवाणु रहित करने में किया जाता है, कुछ गैसें जैसे फॉस्जीन, आंसू गैस जिसे टीयर गैस भी कहा जाता है, तथा मस्टर्ड गैस जैसी जहरीली गैसों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में एक युद्ध गैस के रूप में किया गया था। अभी तक हमने देखा कि फ्लोरीन हमारी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। यह हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कभी भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ही यह सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ही फ्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, क्योंकि इसके स्वयं का अपचयन होता है। आइए अब हमारी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, यह अम्ल 1648 में ग्लेबर ने साधारण लवण और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके प्राप्त किया था। 1810 में डीवी ने यह प्रदर्शित किया कि यह हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ यौगिक है। इसको कैसे बनाया जा सकता है? NaCl की क्रिया H2SO4 से जब करवाते हैं तो हमें HCl प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि एक अम्लीय सल्फेट है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित है, जब इसकी क्रिया फिर से NaCl से करवाते हैं तो हमें HCl प्राप्त हो जाता है। HCl एक रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसका कथनांक 189 केल्विन तथा हिमांक 159 केल्विन होता है। यह जल में अत्यधिक विलेय है। इसके जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जब इसको जल में घोला जाता है तो यह H+ आयन तथा Cl- आयन हमें प्राप्त होते हैं। इसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान 10^7 है। यह बहुत अधिक उच्च मान है। यह उच्च मान यह दर्शा रहा है कि यह एक प्रबल अम्ल की भांति कार्य करता है। यह आसानी से क्षारों से क्रिया करके लवण का निर्माण कर देता है। सांद्र HCl के 3 भाग तथा सांद्र HNO3 के 1 भाग को मिलाने पर जो नया अम्ल हमें प्राप्त होता है उसे एक्वा रेजिया कहते हैं। इसमें लगभग सभी धातुएं घुल जाती हैं। इसका उपयोग सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं के शोधन में भी किया जाता है। देखिए, गोल्ड या प्लेटिनम जब इनको एक्वारिजिया में घोला जाता है तो ये घुलकर उनके क्लोराइडों में परिवर्तित हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दुर्बल अम्लों के लवणों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड इत्यादि को विघटित कर देता है। यदि कार्बोनेट हमारे पास उपस्थित है तो HCl उनसे क्रिया करके वहाँ से CO2 गैस को बाहर कर देगा। यदि सल्फाइड हमारे पास उपस्थित है तो वहाँ पर हमारे पास में SO2 गैस प्राप्त होती है HCl से क्रिया के पश्चात। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग, यह क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड तथा ग्लूकोज के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। अस्थियों से सारेस अर्थात गम निकालने में तथा अस्थि कोयले के शुद्धिकरण में किया जाता है। इसे प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में भी काम में लेते हैं। हैलोजनों के ऑक्सी अम्ल, फ्लोरीन केवल एक ही प्रकार का ऑक्सी अम्ल बनाता है जिसे हाइपोफ्लोरस अम्ल कहा जाता है, जबकि क्लोरीन 4 प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाता है जिन्हें हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल तथा परक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार ब्रोमीन 3 प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाता है जिन्हें हाइपोब्रोमस अम्ल, ब्रोमिक अम्ल, परब्रोमिक अम्ल कहते हैं।
इसी प्रकार आयोडीन भी तीन प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाता है, जिन्हें हाइपो आयोडस अम्ल, आयोडिक अम्ल तथा पर आयोडिक अम्ल कहा जाता है। ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं इस प्रकार से होती हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल में ऑक्सीजन क्लोरीन तथा हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। क्लोरस अम्ल में क्लोरीन द्विबंध से ऑक्सीजन से तथा दूसरी तरफ OH बंध से जुड़ी होती है। क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन परमाणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तथा एक और OH बंध से जुड़ा होता है। पर क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन परमाणु तीन ऑक्सीजन परमाणुओं से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तथा एक और OH समूह से जुड़ा होता है। ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, जो OH समूह का हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन बाहर निकलता है H+ आयन के रूप में, जिसके कारण ये अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अंतरा हैलोजन यौगिक, जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ क्रिया करके यौगिक बनाता है तो उसे अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। एक हैलोजन के दूसरे हैलोजन के साथ संयोग से बहुत सारे प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक बनते हैं, जिन्हें XX-X, XX3-X, X5-X, X7-X के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ क्या है, X क्या है, बड़े आकार वाला हैलोजन है, और X- कौन होगा, जिसका आकार छोटा हो, छोटे आकार वाला हैलोजन X- है। X X- की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है। जैसे जैसे X और X- की त्रिज्याओं का अनुपात बढ़ता है, यानी इन दोनों के आकार में जो अंतर होता है उनका अनुपात जब बढ़ता है तो प्रति अणु परमाणुओं की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। जैसे फ्लोरीन और आयोडीन, इन दोनों के आकार में सर्वाधिक अंतर होता है, अतः इनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी सर्वाधिक होगा, इसलिए IF7 बनता है। अंतर हैलोजन यौगिक निम्न में से किसी भी विधि से बनाए जा सकते हैं। यदि हमारे पास समान आयतन में क्लोरीन या फ्लोरीन है तो CLF प्राप्त होगा। यदि हमारे पास अलग अलग आयतन में हैलोजन उपस्थित है तो उन्हीं के अनुसार हमें अंतर हैलोजन यौगिक प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आयोडीन और क्लोरीन, यदि यह अभिक्रिया क्लोरीन के आधिक्य में करवाई जाती है तो ICl3 बनता है। यदि समान अनुपात में करवाएंगे तो हमें क्या बनेगा, ICl बनेगा सिर्फ। क्लोरीन के आधिक्य में करवाने पर ICl3 प्राप्त होता है। ब्रोमीन की क्रिया फ्लोरीन के आधिक्य में करवाने पर BrF5 बनता है। अंतर हैलोजन यौगिकों के गुण, ये सभी सहसंयोजक और प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। CLF के अतिरिक्त ये सभी वाष्पशील, ठोस या द्रव होते हैं। CLF गैस अवस्था में उपस्थित होता है। इनके भौतिक गुण अवयवी हैलोजनों के मध्यवर्ती होते हैं। इनके गलनांक व कथनांक थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक हैलोजनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, लेकिन ये फ्लोरीन से अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी अपेक्षा ये थोड़े अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये सभी जल अपघटित होकर छोटे हैलोजन के संगत हैलाइड आयन और बड़े हैलोजन के संगत हाइपोहैलाइट, हैलाइट, हैलेट, परहैलेट आयन बना देते हैं। XX- का जब हम जल अपघटन करते हैं तो जो हमारा छोटा हैलोजन है वो क्या बनाएगा, हमारे पास में HX बना देगा, और जो बड़ा हैलोजन है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, हमारे पास में HOX में, या फिर हैलाइट में, या हैलेट में, या परहैलेट में। XX- की ज्यामिति रेखीय होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही परमाणु उपस्थित होते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि दो परमाणु हमेशा एक रेखीय आकृति में ही उपस्थित रहते हैं, एक रेखीय ज्यामिति में ही उपस्थित रहते हैं। XX3- इसकी आकृति एक टी के आकार की होती है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति के कारण यह आकृति थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। XX5- इसकी ज्यामिति वर्ग पिरामिडी होती है, तथा XX7- इसकी ज्यामिति पंचकोणीय द्विपिरामिडी होती है। आज के इस भाग में हमने अध्ययन किया कि हमारे जो हैलोजन परिवार के सदस्य होते हैं यह किस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। फ्लोरीन ऐसा तत्व है जो सिर्फ -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। हमने
क्लोरीन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के गुणों के बारे में भी जाना, ऑक्सो एसिड्स जो हेलोजन बनाते हैं अलग अलग प्रकार के उनके बारे में भी देखा तथा अंतर हेलोजन यौगिकों के बारे में भी चर्चा की। अंतर हेलोजन यौगिक अपने हेलोजन यौगिकों की तुलना में थोड़े से अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि विद्युत ऋणताओं में वहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर उपस्थित होता है। इस पाठ के शेष बिंदुओं की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।